हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सौरभ सर क्लासेस। सौरभ सर के क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है सौरभ सर के क्लास में। वेलकम टू सौरभ सर क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम आज बहुत ही ज़रूरी वीडियो बनाने वाले हैं। इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट वीडियो, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि ये IIT जैम के उम्मीदवारों के लिए ये वीडियो है। जो IIT जैम का सपना देख रहे हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो है, क्योंकि हम IIT जैम 2019 के लिए का जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 27, जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 27 आज हम सॉल्व करने वाले हैं आपके लिए। फुल वीडियो देखिएगा, फुल वीडियो सॉल्व देखिएगा आप। इसमें हमने पूरा सॉल्व किया है इस क्वेश्चन को, और हमने इसमें आपको एक्सप्लेनेशन दिया है। वी आर प्रोवाइडेड सम एक्सप्लेनेशंस, वी आर प्रोवाइडेड टिप्स, वी आर प्रोवाइडेड द व्हाट काइंड ऑफ और व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन दिस इज। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप क्वेश्चन को क्रैक करना सीखें। क्वेश्चन को क्रैक करना IIT के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है दोस्तों। जी हाँ, क्वेश्चन को क्रैक करना सीखे, क्वेश्चन से डील करना सीखे कि कौन सा टाइप का क्वेश्चन है, उसके बाद उसमें अपना तरीका लगाएं कि वे ऑफ सॉल्विंग अपना समझे। तो ज़्यादातर लोगों के साथ ये दिक्कत होता है कि किस तरह से क्रैक करना है क्वेश्चन को, वो नहीं समझ पाते हैं। पर आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्वेश्चन को क्रैक कैसे करें, कैसे समझें कि ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होने वाला है। जी हाँ, और हम आपको थ्योरी से भी रूबरू कराएंगे। यदि कोई थ्योरी इस क्वेश्चन में लगती है तो हम आपको ज़रूर इससे रूबरू कराएंगे। तो चलिए, बिना समय बर्बाद किए हम क्वेश्चन को रीड करते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। जी हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 27 इज समथिंग लाइक दिस एंड इट इज़ ऑन योर स्क्रीन्स। लेट एस बी द फैमिली ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू के, where k belongs to r and k is greater than 0. Now, if c belongs to s and c passes through point 1, 2, then c also passes through which of these points? So, अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो मैं आज क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके सामने। आपके सामने क्वेश्चन को रख देता हूँ कि ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो कह रहा है कि s से डिनोट किया गया है एक फैमिली ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज क्या है। आपके दिमाग में आ ही रहा होगा ये सवाल कि ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज आखिर होता क्या है। फैमिली ऑफ सर्कल्स में, फैमिली ऑफ कर्व्स में ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये क्या है। चलिए, जो मैंने कहा था आपसे, जो भी वादा किया था कि थ्योरीज भी बताई जाएगी, तो मैं थ्योरी भी बता देता हूँ कि मैथमेटिक्स में या फिज़िक्स में ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री क्या होता है। इफ़ द ट्रेजेक्ट्री इंटरसेक्ट्स द गिवन कर्व्स बाय एन arbitrary angle, one gets an orthogonal trajectory. जी हाँ स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो बिना समय बर्बाद किए अब हम इसका सॉल्यूशन पार्ट में जाते हैं, देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, किस तरह से इस सवालात को सॉल्व करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा गया कि लेट एस बी द फैमिली ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज। अब वो फैमिली ऑफ कर्व्स का इक्वेशन दे दिया गया है। कर्व्स क्या दिया गया है, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू k, एंड k बिलोंग्स टू ऑल द रियल नंबर्स, k इज ग्रेटर देन 0, सो दीज आर द क्राइटेरियाज विच वी नीड टू कंसिडर वाइल सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। नाउ इफ c बिलोंग्स टू s, तो एक c एक सेट है जो कि इस फैमिली ऑफ सर्कल्स में बिलोंग करती है, और सी जो है वो एक पॉइंट से गुजरती है। वो पॉइंट क्या है, 1, 2। जी हाँ, जो पॉइंट 1, 2 पॉइंट है, इस पॉइंट से
वन और टू पॉइंट से ये कर्व जो है वो गुजरती है, ये हम कह सकते हैं। तो सी को और कौन से पर्टिकुलर पॉइंट से गुजरना होगा, तो उसमें चार ऑल्टरनेटिव्स हमारे पास है, ए बी सी डी। चार ऑल्टरनेटिव क्या है, हमारा पहला ऑप्शन है फोर या माइनस रूट, फोर माइनस रूट टू से गुजर सकता है, टू माइनस फोर से गुजर सकता है, फोर टू रूट टू से गुजर सकता है, या टू टू रूट टू से गुजर सकता है। तो हमारे पास कुल मिला के चार ऑप्शन है, इनमें से एक ऑप्शन सही है और हमें उस एक ऑप्शन की तलाश है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए आगे चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ और इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। जी हाँ दोस्तों, चलिए, तो फैमिली ऑफ सर्कल्स का इक्वेशन दिया गया है, क्या दिया है, टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू के, वेयर के बिलोंग्स टू आर एंड के इज ग्रेटर देन जीरो। K is greater than 0, तो K को greater than 0 कहा गया है। अब हमें क्या करना है, हमें इसको differentiate करना है, differentiate with respect to x, तो हम क्या मिलेगा, we will get, इसको अगर हम differentiate करें x के respect में तो 4x पहला, उसके बाद implicit form आएगा 2y dy by dx, और दाहिने तरफ तो k कांस्टेंट है ग्रेटर देन जीरो, यानी कि वो जीरो ही होगा, क्योंकि अगर हम किसी कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें जीरो ही मिलेगा। ओके, सो नाउ फॉर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज, फॉर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज व्हाट वी हैव, वी हैव डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वन बाई डी वाई बाई डी एक्स, दैट इज इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई डी वाई। सो बेसिकली क्या मिल रहा है हमें, हमें मिल रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स शुड बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डी एक्स बाई डी वाई। हमने डी वाई बाई डी एक्स तो निकाल लिया है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इक्वेशन वन जो है मिला, यानी कि ये वाला इक्वेशन, इसे हम इक्वेशन वन के तौर पर लिख देते हैं, मैं इंक बदल लेता हूँ। और इक्वेशन वन से हमें क्या मिल रहा है, फोर एक्स प्लस टू वाई। अब देखिए क्या कहा गया है, dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई डी वाई, तो यहाँ मैं माइनस डी एक्स बाई डी वाई बैठा दे रहा हूँ, दिस शुड ऑल्सो भी इक्वल टू जीरो। सो वॉट वी आर गेटिंग, वी आर गेटिंग ए डिफरेंशियल इक्वेशन, फोर एक्स डी वाई माइनस टू वाई डी एक्स एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। ओके, सो इफ वी सॉल्व दिस वी विल गेट डी वाई बाई वाई इक्वल टू डी एक्स बाई टू एक्स, ये हमें एक इंटीग्रेशन डिफरेंशियल इक्वेशन का एक फॉर्म मिल गया है, डिफरेंशियल इक्वेशन का एक फॉर्म मिला है, अब इसे हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इसमें दोनों तरफ अगर हम इंटीग्रेशन बैठा दें तो क्या होगा, चलिए बैठा देते हैं इंटीग्रेशन, वन बाई वाई डी वाई इक्वल टू वन बाई टू वन बाई एक्स डी एक्स। वन बाई टू को मैंने बाहर ले लिया क्योंकि वो कॉन्स्टेंट था, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। तो इसे सॉल्व करने पर होगा लॉग वाई इक्वल टू हाफ log x प्लस सी, क्योंकि ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, इसीलिए एक प्लस सी होना तो ज़रूरी है, इट्स मस्ट। ओके, सो चलिए इसे डिफ्रेंशिएट तो हमने कर दिया है, अब इसे सॉल्व करते हैं। अगर मैं दोनों तरफ से एंटी लॉग ले लूँ, टेकिंग एंटी लॉग, अब ये एंटी लॉग क्या होता है, जैसे वायरस से बचने के लिए हम एंटी वायरस यूज़ करते हैं, उसी तरह से लॉग से बचने के लिए हम एंटी लॉग यूज़ करते हैं, एंटी लॉग, यानी कि लॉग को हटा दो भैया। तो लॉग अगर हट जाएगा तो चलिए इसमें से तो लॉग हट गया, समझ में आया वाई हुआ, इसमें से भी लॉग हट गया तो समझ में आया एक्स हाफ हो जाएगा, लेकिन उसको लिखेंगे कैसे, उसको हम ई टू द पावर लॉग एक्स होल स्क्वायर प्लस सी के टर्म में लिखेंगे, हाँ ई आ जाएगा। तो अब ये बात भी बताया गया था, अगर आपको याद होगा, कि जो कर्व है वो इस पॉइंट से गुजरता है, मैंने एक फिगर बनाया था, इस पॉइंट से गुजरता है वो कर्व। सो मैंने कहा कि ये इस पॉइंट से गुजरता था, अब पॉइंट वन टू से गुजर रहा है, यानी कि हम अपने इस फॉर्म में x की जगह 1 और y की जगह 2 बैठा सकते हैं, बैठा सकते हैं कि नहीं बैठा सकते हैं, जी हाँ बेशक बैठा सकते हैं। तो चलिए हम इसके जगह बैठा देते हैं,
तो वाई की जगह मैंने 2 बैठा दिया, इक्वल टू ई टू द पावर लॉग 1 होल स्क्वायर प्लस सी। तो इसका मतलब क्या भैया, लॉग 1 तो 0 होता है, तो 2 इक्वल टू ई टू द पावर 0 प्लस सी, यानी कि c इक्वल टू 2, क्योंकि e टू द पावर 0 क्या होगा, एनीथिंग टू द पावर 0 हमें पता है 1 होता है, तो e टू द पावर 0 भी 1 ही होगा। तो हमें c का वैल्यू क्या मिल रहा है, हमें c का वैल्यू मिल रहा है 1 मिल रहा है, 2 माइनस 1 इज 1, तो c का वैल्यू मिल रहा है 1। तो ये इक्वेशन लास्ट का क्या होगा, तो चलिए लास्ट का इक्वेशन यहाँ लिख देते हैं, y इज इक्वल टू यही वाला जगह लिखेंगे, बस c की जगह हम 1 बैठा देंगे, e टू द पावर लॉग ऑफ x होल स्क्वायर प्लस 1, ये हमें मिलेगा y इक्वल टू ई टू द पावर लॉग x होल स्क्वायर प्लस 1। ओके नाउ अब ये फॉर्म कहाँ होगा, देखते हैं ये फॉर्म कहाँ होगा। हमारे पास एक ऑप्शन था, ऑप्शन सी जो था 2 √2। अगर ये वाला पार्ट हम उस इक्वेशन में बैठाते हैं तो ये इक्वेशन इसके लिए सेटिस्फाई कर रहा है, जी हाँ इसके लिए सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि हमारा जो ऑप्शन सी है वही करेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया और देखा कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसमें। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक वीडियो था, बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर था, तो समझ सक मैं, अगर इसमें आपको स्टिल डाउट है कोई तो आप हमें कांटेक्ट करें 9836793076 पे कांटेक्ट करें, या हमारा वेबसाइट विजिट करें, दैट इज़ www.sourav.com। इस वीडियो पे आप, इस वेबसाइट पे आप जाएं, आप कोई भी डाउट हो उसे आप क्लियर कर सकते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की समस्या हो आप यहाँ पे जाके हमें से डिटेल्स जान सकते हैं। और अगर आपके वीडियो पसंद आया तो बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।